क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक जोन प्लेट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ये एक लाइट को जिसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है उसको एमिट करता है। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस है वो कितना होगा। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का हम लोगों को यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोकल लेंथ हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो 50 सेंटीमीटर। एंड एज वी नो 50 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 50 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 0.5 मीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 0.5 मीटर। और हम लोगों को वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है हम लोगों को 5000 एंगस्ट्रॉम। एंड 5000 एंगस्ट्रॉम इज इक्विवेलेंट टू 5000 इंटू 10^-10 मीटर। दोनों को SI यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोगों को ये भी पता है कि जो फोकल लेंथ होता है हाफ पीरियड जोन का, इसका फॉर्मूला होता है R² दैट इज रेडियस ऑफ द हाफ पीरियड जोन डिवाइडेड बाई 2P-1 इंटू लैम्डा। हम लोगों को रेडियस पूछ रहा है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का, तो R² इज इक्वल्स टू हो जाएगा FP इंटू लैम्डा ब्रैकेट में 2P-1। अब चूंकि हम लोगों को फर्स्ट पीरियड जोन का पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेडियस बताना है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का, तो 4 फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। यदि हमें पहले हाफ पीरियड जोन का रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी के वैल्यू पे बिठा देंगे। कितना बिठाएंगे, तो 1 बिठाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का पूछा जा रहा है, वो तो 1 आ जाएगा। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ FP लैम्डा बच जाएगा। फोकल लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है, फोकल लेंथ 0.5 है, 0.5 बिठाएंगे। और वेवलेंथ हम लोगों को दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 5000 इंटू 10^-10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1010 गॉट कैंसिल, 2 5 का 1 5 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 10^-10 है तो उसका 10^-5 निकलेगा, और ये एक 10^ यहाँ पे 2 है, मतलब 10^-4 निकलेगा बाहर, इतना मीटर हुआ। चूँकि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो मिलीमीटर में है, तो इसको भी मिलीमीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 5/10^4। सेंटीमीटर में मतलब 10^2 और मिलीमीटर में मतलब 10^1। 10^ टोटल कितने हो गए, तो 10^ टोटल हो गए 3। तो हम इसे 3 भी लिख सकते हैं, 10^, है ना, तो 10^3। 10^3 कैंसिल, तो 10 यहाँ 4 कैंसिल, बच गया कितना गया, 5/10^4, मतलब कितना आया, 0.5 मिलीमीटर। अब आंसर को मैच करेंगे कि 0.5 मिलीमीटर कौन सा आंसर है, तो 0.5 मिलीमीटर इज़ द आंसर नंबर बी। सो जो रेडियस होगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का वो कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर होगा।